एनसीसी विभाग द्वारा 67वीं एनसीसी ग्रुप कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चार्ट रेजिमेंट सेंटर बरेली कैंट में आयोजित की गई। इस दौरान कॉन्फ्रेंस के लिए बरेली पहुंचे उत्तर प्रदेश एनसीसी के अपर महानिदेशक मेजर जनरल संजय पुरी ने एनसीसी की गतिविधियों के बारे में बताते हुए कहा कि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित की गई गणतंत्र दिवस परेड में इस बार प्रदेश के एनसीसी कैडेटों ने शानदार प्रदर्शन किया। अगले वर्ष इसे और बेहतर बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य प्रदेश में एनसीसी के स्तर को और ऊंचा करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में युवा शक्ति उपलब्ध है। शासन से बात करके एनसीसी की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को एनसीसी का प्रशिक्षण देकर एक योग्य नागरिक बनाया जा सके। सबसे पहला तो हमारा मुद्दा ये था कि अभी RDC हाल ही में ख़त्म हुआ है, सेलिब्रेशन उसका जो ख़त्म हुई है, तो UP डायरेक्टरेट ने स्टेट की मदद से काफ़ी अच्छा काम किया है और अब हम इस जो हमारा स्तर हमने काब वो लिया है उसको हम और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि अभी से उसके ऊपर फोकस करके और अपनी जो अगले साल की RDC है उसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस और भी अच्छी हो जाए। मेन मुद्दा एक तो ये था। दूसरा, कुछ हमारे ग्रुप कमांडर्स चेंज हो रहे हैं, कोई पोस्टिंग जा रहे हैं, तो जो भी हमारे को ऊपर से निर्देश आते हैं वो सारे निर्देशों को सबको एक ही स्तर पे रखने के लिए, एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही सोच लेके आने के लिए, उसके लिए भी ये ग्रुप कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की गई है। और सबसे अहम बातें हैं कि कुछ हमारी जो दिक्कतें आ रही हैं, जो कि हमारे पास क्लास 4 एम्प्लॉयज़ की एनरोलमेंट नहीं हो रही है, कुछ हमारे क्लास 3 जो क्लर्क्स वगैरह हैं वो हमारे पास कमी महसूस हो रही है, अब इन सब मुद्दों को इकट्ठा करके हम स्टेट से एक मीटिंग करने जा रहे हैं एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा संघ अपना मिस्टर दीपक कुमार बहुत ही पॉजिटिव आदमी है, अगर हम उनसे एक बार बात कर लेंगे तो उम्मीद है कि हमारी ये जो दिक्कतें हैं उनके ऊपर थोड़ा जल्दी एक्शन हो।